जिला फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज के बाल कल्याण इंटर कॉलेज में अश्विनी कुमार जैन के संयोजन में एक विज्ञान प्रदर्शनी एवं मतदान जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सुमन चतुर्वेदी एवं चेयरमैन सोनी शिवहरे ने झंडी दिखाकर किया। इस दौरान मुख्य अतिथियों का पुष्पमाला एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। बच्चों द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी में तमाम तरह के मॉडल बनाकर जनमानस को जागरूक करने का काम किया गया। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक ऋतु गोयल ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडलों की सराहना की तथा जादू के मॉडल में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र अर्चित जैन को 1,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया। मैम, यह आज बाल कल्याण का प्रोग्राम आज यहाँ पर विज्ञान क्लब के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और सभी बच्चों ने यहाँ अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए हैं। कुछ बच्चों ने जादू का मॉडल भी यहाँ रखा है, किस तरह से अंधविश्वासों को दूर किया जा सकता है, और जैविक विविधता के ऊपर बनाया है बच्चों ने, और कुछ एसिड रेन वाटर साइकिल और इनके ऊपर उन्होंने ऑक्सीजन साइकिल, ये मॉडल यहाँ प्रस्तुत किए हैं और बच्चे बढ़ चढ़कर जो विज्ञान प्रदर्शन में प्रतिभा कर रहे हैं। इस विद्यालय के बच्चे भी हैं और आसपास के विद्यालय के बच्चे भी। मैम, किसी बच्चे पुरस्कृत किया गया है? एक बच्चे को पुरस्कृत किया गया है, जो है अर्चित जैन को पुरस्कृत किया गया, फर्स्ट प्राइज उसको दिया है, 1,000 रुपये का नगद पुरस्कार उसको दिया है, क्योंकि उस बच्चे ने अंधविश्वासों को दूर करने के ऊपर अपना एक कार्यक्रम यहाँ दिखाया था। सर, आज की रैली के बारे में बताएं। आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिला विज्ञान क्लब फिरोजाबाद द्वारा जनपद स्त्री विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का सबसे पहले एक झंडा विज्ञान की झंडा चेतना रैली और साथ में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन बाल कल्याण इंटर कॉलेज में किया जा रहा है, जिसमें उद्घाटन यहाँ के नगर चेयरमैन भाई सोनी शिवरे जी, राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सुमन चतुर्वेदी जी और साथ में जिला विद्यालय निरीक्षक श्रीमती रितु गोयल जी, वित्त एवं लेखाधिकारी श्री मदन मोहन जी के साथ प्रबंधक श्री सत्यवंत सिंह यादव जी द्वारा इस रैली का उद्घाटन किया जा रहा है। साथ में यहां पर मॉडल प्रदर्शनी और व्याख्यान प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जा रहा है। जिला विज्ञान क्लब की ओर से समस्त प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 1,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाएगा।